लक्ष्मीकांत लड्ढा, महेंद्र पलोड़, गोविंद दास पटवा, चेतन लड्ढा ने बताया कि इस वर्ष श्री ब्रह्मोत्सव में सभी संत महंत की विशेष कृपा इंदौर शहर में होने वाली है, जिसमें पूरे देश भर से संतों का आगमन होगा। विशेष रूप से अयोध्या राम जन्मभूमि निर्माण समिति उपाध्यक्ष श्री विद्या भास्कर जी, गोवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज, श्री अनंताचार्य जी महाराज, श्री कांताचार्य जी महाराज, श्री रंगनाथाचार्य जी महाराज, श्री माधवा प्रपन्नाचार्य महाराज, श्री राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज, श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज और भी अनेक संत अपने श्रीमुख से सभी वैष्णव जन को ज्ञान गंगा एवं प्रवचन आदि से लाभान्वित करेंगे। सत्र दिवसीय महोत्सव में प्रतिदिन प्रातः काल से रात्रि तक महोत्सव जारी रहता है, जिसमें मंदिर के लगभग 400 कार्यकर्ता तन मन धन से पूरी तरह संपूर्ण भाव से जुटे रहते हैं। महोत्सव में प्रतिदिन प्रातः सत्र में वेंकट रमन, गोविंदा, श्रीनिवास, गोविंदा नाम, जप परिक्रमा, भगवान श्री वेंकटेश जी, भगवती श्री महालक्ष्मी जी, श्री प्रभु देवी, श्री श्री देवी, श्री गोदा महारानी सहित शेष अवतार श्री रामानुज स्वामी जी का महाअभिषेक, दिव्य देशों से पधारे संतों के प्रवचन, प्रतिदिन नित्य नवीन ठाकुर जी के विशेष उत्सव, प्रभु वेंकटेश के दिव्य दर्शन, आकर्षक भव्य रंगोलियों के निर्माण किए जा रहे हैं। प्रभु वेंकटेश व भगवती महालक्ष्मी जी की सवारी प्रतिदिन स्वर्ण मंगलगिरी गरुड़ वाहन हनुमत वहां अश्व व शेषनाग वाहन पर परिभ्रमण के लिए निकलेगी। साथ ही प्रख्यात भजन गायक हरिकिशन साबो, द्वारका मंत्री सुधीर व्यास, राजेश सांखला, पीयूष भावसार प्रभु चरणों का गुणगान व हरिनाम के संकीर्तन करें। पावन सिद्ध धाम श्री लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग में 28 जून से श्री ब्रह्मोत्सव एवं रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ हुआ था। इस अवसर पर सुबह 7:15 से वैकंठ रमन, गोविंदा, श्रीनिवास, गोविंदा नाम की जब परिक्रमा निकाली गई, तत्पश्चात प्रभु वेंकटेश की आरती की गई। तत्पश्चात श्री ब्रह्मोत्सव का शुभारंभ ध्वजारोहण के साथ किया गया, जिसमें स्वर्ण से निर्मित बड़े से गरुड़ स्तंभ पर रामानुजाचार्य नागुरिया पीठाधिपति स्वामी जी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी महाराज द्वारा शास्त्रोक्त पद्धति से दक्षिण भारत से पधारे भट्ट स्वामियों का पूजन कराकर स्त्रोत पाठ कर सफेद वस्त्र पर निर्मित ध्वज, जिस पर भगवान गरुड़ को विराजमान किया गया था, स्तंभ पर चढ़ाया गया और भक्तों द्वारा गोविंदा गोविंदा, वेकंठ रमन गोविंदा, श्रीनिवास गोविंदा के जय घोष के साथ ब्रह्मोत्सव का विधिवंत शुभारंभ हुआ था। साथ ही अंकुरापण, कंकणा धारण व विद्ध जनों के वरण किया गया। तत्पश्चात श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का महाभिषेक शस्त्र धारा से किया गया। यजमान मनीष लाठी, काशीराम सोनी ने संकल्प पर कलशों का पूजन किया। पुखराज सोनी, विजय सोमानी, पवन भलिका, सूर्यप्रकाश झबर, सुनील अग्रवाल ने बताया कि दोपहर 11:30 बजे से भगवती श्री महालक्ष्मी जी की व श्री यंत्र की कुमकुम से अनेक दंपतियों द्वारा श्री श्री नमः के संपुट के साथ 1008 नामों से भगवती श्री महालक्ष्मी की कुमकुम अर्चना की गई, जिसमें श्री यंत्र का पूजन महालक्ष्मी जी के चित्र के साथ किया गया। एक साथ सत्संग हॉल में बैठकर अर्चना की गई। साथ ही भगवती की रजत तुलसी, रजत कमल, स्वर्ण पुष्प, रक्त कमल, केशर, कुमकुम, जूही द्वारा और भी सुगंधित वस्तुओं द्वारा भगवती की अर्चना की गई। यजमान दिलीप परवाल, दिलीप तोतला, शरद पसारी, सुनील अग्रवाल आदि भी इस अवसर पर मौजूद रहे। इस अवसर पर अवंतिका पीठ उज्जैन के युवराज माधव प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने कहा कि हम वैष्णव जन जो भी भगवत के कार्य करते हैं, उनमें आचार्य की कृपा या गुरु की कृपा होती है। कार्य जरूर शरीर करता है, लेकिन प्रेरणा आचार्य देते हैं। इस अवसर पर वृंदावन से पधारे नवीन नारायण चार्य जी मौजूद थे। सायंकाल में श्री रामानुज स्वामी जी की सवारी गज वाहन पर विराजित होकर मंदिर परिसर में परिक्रमण भी हुई। इस दौरान भजन गायक पीयूष भावसार ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुतियां दी एवं स्त्रोत पाठ भी किए गए। पंकज तोतला, पवन व्यास, भरत तोतला, आशीष लड्ढा, नितिन तापड़िया, आनंद बजाज ने बताया कि 9 जुलाई को 11:30 बजे तिरुपति बालाजी में मनाए जाने वाले उत्सव पुष्प यगम को छत्रीबाग देवस्थान में भी मनाया जाएगा। 29 जून को भव्यता पूर्व मनाएंगे। पंकज तोतला, पवन व्यास, भरत तोतला, आशीष लड्डा, नितिन तापड़िया, आनंद बजाज ने बताया कि 9 जुलाई को प्रातः 11:30 बजे से तिरुपति बालाजी में मनाए जाने वाले उत्सव पुष्प यगम को छत्रीबाग देवस्थान में भी 29 जून को भव्यतापूर्ण मनाया गया, जिसमें रजत कमल, गुलाब, जूही कुंद, मोगरा, तुलसी गेंदा, तुलसी सहित 11 प्रकार के फूलों से प्रभु की अर्चना की गई और प्रभु पूरे
उन पुष्पों की लहरों में दर्शन हुए। सभागृह में मंच पर सुंदर मंडप को पूर्ण रूप से फूलों से सजाया गया। फूलों की छतरी के नीचे भगवान वेंकटेश की सवारी परिक्रमा में गाजे बाजे के साथ निकालकर पहुंची तथा अर्चकों द्वारा शरीर पर जनेऊ दुपट्टा धोती पहनकर पुष्प अर्चना की गई। उसके पूर्व यजमान को संकल्प कराया गया। अनेक पुष्पों की टोकनियों को सजाया गया, जिससे अर्चक फूलों की टोकरी से भगवान की अर्चना भी की गई। ओम अच्युतियाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः का मंत्रोच्चार के साथ करते दक्षिण भारत से पधारे श्री भट्ट स्वामियों का समूह नागौरिया पीठाधिपति स्वामी श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य द्वारा रंग बिरंगे पुष्पों से भरी टोकनियों से प्रभु वेंकटेश का अभिषेक, प्रभु के लिए मोगरे के गुलाब के पुष्पों से सजा दिव्य मंडप, वाद्य यंत्र पर मधुर गूंज वैकंठ रमण गोविंदा श्रीनिवास गोविंदा, भक्तों द्वारा गोविंदा गोविंदा का जय घोष और प्रभु की मन से आराधना अर्चना कर रहे भक्त। ये अद्भुत दिव्य नजारा था लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग में चल रहे ब्रह्म उत्सव में, विशेष उत्सव पुष्पार्चन का। 1000 किलो पुष्पों से आज प्रभु वेंकट 1000 किलो पुष्पों से प्रभु वेंकटेश की पुष्प आराधना की गई, जिसमें 7 रंगों के फूलों की, जिसमें कुंद, जूही, रजनीगंधा, गुलाब, मोगरा, तुलसी, पीले फूलों की पंखड़ियों से भरी अनेक टोकनियां भरी गई थी। सभी रंग के पुष्पों की टोकनियां 108 नामों से श्री स्वामी जी व संतों द्वारा प्रभु को अर्पित किए जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो 7 रंगों के पर्वत के अंदर विराजमान हो। हर एक अर्चना संपन्न होने के बाद बारम्बार भगवान की आरती की जा रही थी, साथ ही बीड़ी का भोग लगाया जा रहा था। यजमान पवन नारायण व्यास परिवार द्वारा व अन्य यजमान द्वारा संकल्प लेकर प्रभु का पूजन अर्चन किया गया व भगवान को चवर छड़ी की सेवा की। प्रभु को पुष्प बहुत प्रिय है। भगवती लक्ष्मी जी सदैव उनके लिए जंगलों से पुष्प तोड़कर लाती थी, इसलिए ये पुष्प अर्चना की गई, जिससे भक्तों ने आज अपने मन की बात प्रभु से कही। इससे पूर्व प्रातःकाल में भगवती श्री महालक्ष्मी जी का अभिषेक दूध, दही, शक्कर, केसर, हल्दी व पवित्र नदियों के जल से किया गया। यजमान गुरु कृपा परिवार ओम प्रकाश शर्मा द्वारा संकल्प पूजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा श्री सूक्त एवं पुरुष सूक्तम का पाठ भी किया गया। सायंकाल में भगवती श्री महालक्ष्मी जी की सवारी स्वर्ण मंगलरी पर आरूढ़ कर मंदिर परिसर में परिक्रमागत की गई। इस दौरान आलविंदर स्त्रोत एवं वेंकटेश स्त्रोत का पाठ वेणुगोपाल संस्कृत पाठशाला के विद्यार्थियों द्वारा किया गया। साथ ही भजन गायक पीयूष भावसा ने भजमों का अद्भुत समागम किया। भक्तों ने ठाकुर जी के समक्ष नृत्य भी किया। धर्म सभा में पुष्प यागम उत्सव के बारे में बताते हुए उज्जैन माधव प्रपन्नाचार्य जी ने कहा कि भगवान की पुष्पों से वृहद अर्चना वैशाख मास में की जाती है। उष्ण भाव शीतलता प्रदान करने के लिए सुगंधित पुष्पों की अर्चना परमात्मा को की जाती है। परमात्मा के सुकोमल शरीर को पुष्प अर्चना से प्रसन्नता प्राप्त होती है और प्रभु को सबसे प्रिय पुष्प कमल है। और आज तो यहाँ 1000 किलो पुष्प प्रभु को अर्पित किए गए हैं। ऐसी पुष्प आराधना पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ यहीं इंदौर में लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थान छत्रीबाग में हो रही है। इस अवसर पर अनंताचार्य जी अयोध्या, वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, पुंडरिक जी, दिव्यांश जी, मुरारी नारायण जी, नारायण प्रपन्नाचार्य जी मौजूद थे। 30 जून यानी कि रविवार को प्रातः 9 बजे से प्रभु श्री वेंकटेश का रजत कलशों से महाभिषेक किया गया। तत्पश्चात संत सभा का आयोजन किया गया। रात्रि 8 बजे भगवान वेंकटेश की छोटी रथ यात्रा छत्रीबाग में निकाली जाएगी, जिसमें हरि कृष्ण जी साबू भोपू जी के भजन होंगे और घर घर में यात्रा का स्वागत सत्कार किया गया।
Channel and press the bell icon for more updates.